अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। रात की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, नवाज शरीफ के बाद वजीर आजम इमरान खान नाअहल। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ को हजारों वोट का झटका देने वाली खबर। मजीद तफसीलात में जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर भी लाजमी प्रेस करें। वजीर आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की नाअहली के लिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी की नजरसानी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस फैसल अरब पर मुश्तमिल तीन रुकनी बेंच 10 अक्टूबर को समाअत करेगा। हनीफ अब्बासी ने इमरान खान और जहांगीर तरीन पर असासे छुपाने और ऑफशोर कंपनियां रखने का इल्जाम आयद करते हुए इन्हें नाअहल करार देने की अलहदा दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। गुज़िश्ता साल 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्तों पर फैसला सुनाते हुए इमरान खान को अहल जबकि जहांगीर तरीन को नाअहल करार दिया था। गुज़िश्ता हफ्ते अदालत उज़्मा ने इमरान खान से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी के लिए हनीफ अब्बासी की फुल बेंच तश्कील देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा।